मुझे एक मैसेज देना है, ज्यादातर औरतों के लिए वो मैसेज है। मैंने ये नोट किया है, मैं आई हैव बीन लिविंग इन पाकिस्तान फॉर द पास्ट 8 ईयर्स, और यहाँ पे सिखाया जाता है लड़कियों को, औरतों को, टू टेक केयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स एंड टू टेक केयर ऑफ एवरी वन अराउंड देम। आई हैव नेवर हर्ड एनी वन से टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट। और यहाँ पे इतना बड़ा ये मसला है कि एक औरत को पता ही नहीं है कि अपना ख्याल पहले रखना है और फिर दूसरों का ख्याल रखना है। यू योर सेल्फ आर योर फर्स्ट प्रायोरिटी। वॉट मेक्स यू हैप्पी, वॉट यू नो मेक्स यू यू नो लिव, वॉट मेक्स यू वेक अप इन द मॉर्निंग। आई थिंक आपके अपने एम्बिशंस होना, आपका अपना एक लाइफ पाथ होना, आपके अपने अपने सपोर्ट में खुद खड़े होना बहुत बहुत जरूरी जरूरी है है। किसी और से पहले, खवातीन के किसी लिए, से ठीक है। एक्सपेक्ट किए बगैर सबसे पहले अपने आप से एक्सपेक्ट करें और अपने आप के लिए खड़े हों, प्लीज। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। वो जब आप जहाज की अनाउंसमेंट होती है और वो जब बताते हैं कि ऑक्सीजन मास्क गिर पड़ेगा, तो वो ये कहते हैं कि पहले खुद पहने फिर फिर अपने साथ दूसरों को वाले लोगों को लगाएं। पहनाएं। इट्स बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ एंड टेक बिल्कुल केयर ऑफ योरसेल्फ, तभी योरसेल्फ आप अपनी फैमिली की, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखेंगे। अच्छा जनाब, अब टाइम खत्म हो गया है, हम बस अगले हफ्ते आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन पता इतने नहीं हमारे चला। प्यारे लोग, इतने जबरदस्त लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूंगा अहमद के, मतलब मैं खुद भी फैन हूं, हम सब फैन हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, तो हम अहमद के गाने पे आज का शो प्लीज। एंड करेंगे। आई हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस सॉन्ग फॉर द पास्ट 20 ईयर्स, और ये मेरी लाइफ का बड़ा एक जर्नी का बड़ा एक इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है। बिकॉज मुझे याद है कि जब ये गाना मुझे याद कराया, तो मुझे एक चैलेंज दिया गया था कि तुमने गाना बनाना है और ये शायरी है। तो जब वो शायरी मुझे दी, तो मैंने इसकी कोई अजीब सी ट्यून बनाई और मैंने अपने अब्बा से इसको कंफर्म कराया कि इज दिस ओके, एंड ही सेड कि बकवास है, एक और बनाओ। तो आई थिंक 10वीं अटेम्प्ट के ऊपर उन्होंने जाकर कहा हाँ ये अच्छी लग रही है। तो वो ये है, तो वो आई डोंट नो, मेरे साथ एक इसका है रिलेशन है। कोई दी